Hi, today is 26th of May 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में हम ये सारे essential topics पढ़ने वाले हैं. First is about testing up in states, seeing massive return of migrants. बहुत सारे migrants का अभी interstate movement हो रहा है, so that is why testing को अब ramp up किया जा रहा है. We'll also look at one question as well. Then second is deliberation on to end LAC tensions. अभी India और China में this LAC के across कुछ tensions flare up हो रहा है. We'll get to know. Then despite glut, cut in fuel prices unlikely. हमने a couple of days back देखा था ये fuel pricing mechanism कैसे चलता है. इसमें fuel prices international crude level पे fall in prices है, but अभी वो pass on नहीं किया जा रहा है customers को retail pricing में. श्री गुरु अर्जन देव जी का आज 114th मार्टम डे है. श्री गुरु अर्जन देव जी का आज 414th मार्टर्डम डे है. हम इसके बारे में जानेंगे, सिख रिलीजन और ये 10 गुरुज के बारे में और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है गुरु अर्जन देव जी का. देन फिफ्थ इज़ अबाउट स्टबल बर्निंग. ये स्टबल बर्निंग होती है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है और इसके बैन और एक्शन में ये कौन सा लॉ है जो यहाँ पे प्रोविज़न है. देन फार्मर्स प्रोटेस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन पैडी कल्टीवेशन इन हरियाणा. ये पैडी कल्टीवेशन है, कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा था ये एग्रीकल्चर का एक नया टेक्निक है पैडी का, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ दिस राइस. हम इसको देखेंगे कि यहाँ मोनोकल्चर किस तरीके से डिस्ट्रक्शन कर रहा है दिस क्रॉप डाइवर्सिटी का और गवर्नमेंट इसको अपोज कर रही है मोनोकल्चर को, बट फार्मर्स आर नॉट लिसनिंग. देन सेवन्थ इज़ अबाउट अर्ली टेक ऑफ. अर्ली टेक ऑफ इज अबाउट कि अगर अपन प्री मैच्योर रिजम्पशन कर देंगे सिविल एविएशन का, लॉकडाउंस ओपन अप कर रहे हैं तो नंबर ऑफ केसेस COVID-19 के बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं. बैटिंग फॉर फ्री स्पीच, यहाँ हम बात करेंगे. अक्सर मीडिया पे या फिर फ्री स्पीच पे बैन लग जाता है, वहाँ पे क्रिमिनल डिफेमेशन भी हो जाता है. इसमें मद्रास हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट है, विल गेट टू नो. और ये क्यों इनकरेक्ट है ऐसे डिफेमेशन एंड प्रोसिक्यूशन चार्जेस लगा देना ऑन प्रेस एंड मीडिया. नाइन्थ इज़ अबाउट द प्रॉब्लम विद द लिक्विडिटी पुश. लिक्विडिटी सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट बहुत एम्फेसाइज कर रही है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी है, बट इतनी सारी लिक्विडिटी इज़ नॉट गुड. यहाँ बहुत अच्छा आर्टिकल यहाँ पे लिखा है कि लिक्विडिटी क्राइसिस है, ये एक दूसरा क्राइसिस जनरेट कर सकता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड ऑल का. वी नीड टू बी लिटिल बिट प्रूडेंट विद अवर अप्रोच. देन यहाँ पे उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है, अ वेल बैलेंस्ड स्टिमुलस पैकेज है जो सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव में हमने अनाउंस किया है, इसमें इस इनिशिएटिव को डिफेंड किया है. सो दिस इज़ द वे, ऑब्जेक्टिवली रैशनल वे में, लॉजिकल वे में पॉइंट्स देने चाहिए. प्रो में भी देना है तो भी और अगेंस्ट में देना है तो भी. देन दिस इज़ मूविंग बियॉन्ड जियो पॉलिटिक्स. इसमें बात करेंगे डेटा और टेक्नोलॉजी, ये कैसे वर्ल्ड ऑर्डर को अभी शेप कर रहा है. देन ट्वेल्थ इज़ बैटलिंग अ वायरस विद मास्क. ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइक हैंड वॉश एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये बहुत इफेक्टिव है टू फाइट दिस COVID-19. यहाँ हम बात करेंगे कार्नेटिक म्यूजिक के चैम्पियन ये पुरंदर दास जी का. यहाँ पे अभी ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये हो रहा है कि ये महाराष्ट्र को बिलोंग करते थे या फिर ये कर्नाटका को बिलोंग करते थे. देन 14th इज़ रिवर्स माइग्रेशन टू विलेजर्स हैज सेट द इकोनॉमी बैक बाय 15 ईयर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थॉट है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. वर्ल्ड न्यूज़ में अगेन विल टॉक अबाउट चाइना, US रिटेलिएशन, ब्राज़ील COVID-19 बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहा है, जापान रिकवर कर रहा है, वुहान में रिलैप्स हो रहा है COVID-19. देन ये जेफ स्मिथ का इंटरव्यू है, इसमें ये क्लियर कर रहे हैं कि वाई वॉशिंगटन प्रोबेबली एंड फोर्थ कमिंग सपोर्ट देगा इंडिया को विद दिस LAC में जो इंडिया का स्टैंड है अगेंस्ट चाइना. देन दिस इज़ बिजनेस न्यूज़. हॉकी में हम बात करेंगे हॉकी लेजेंड बलबीर सिंह जी की, ये 3-time ओलंपिक गोल्ड विनर है. एंड 18th वुड बी अबाउट केरला टीम्स नेट सिल्वर फिश. ये सिल्वर फिश है और ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY, हम इसको भी जानेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स. सो लेट अस स्टार्ट. और ये हैं आज के एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स जो ये पेपर पढ़ने में हमें बहुत हेल्प करेंगे. फर्स्ट इज स्ट्रिंजेंट. स्ट्रिंजेंट का मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, फर्म है. फॉर्मिडेबल ओपोनेंट होता है, इंटिमिडेटिंग है या फिर फॉरबिडिंग है. फॉर्मिडेबल अलायंस. सकम मतलब हो गया है, डेथ हो गया है, गिव इन हो गया है, प्रेशर में गिव अप कर दिया है.
देन कॉलोसस, कॉलोसस मीन्स होता है ये ह्यूज इन साइज है, बहुत बड़ा है ये. देन दिस इज वॉश आउट, वॉश आउट जैसे स्पोर्ट्स वॉश आउट हो जाते हैं, ओडीआई अक्सर वॉश आउट हो जाते हैं पानी में. डिसअपॉइंटमेंट फेल्योर. अपटिक का मतलब होता है स्लाइड अपवर्ड ट्रेंड है, इकोनॉमी नोज डाइव कर रही है, अचानक अपटिक हुआ. देन फोर्थ कमिंग का मतलब होता है इमिनेंट और अप्रोचिंग, जो होने वाला है. एट्थ इज एक्सोजीनस, मीन्स एक्सटर्नल कॉज है, आउटसाइड है. रिपैट्रिएट, जैसे रिपैट्रिएशन होता है, फॉरेन कंट्री से वापस इंडिया बुलाया जा रहा है, दैट इज सेंड बैक टू ओन कंट्री. वैंडलाइज्ड, अक्सर प्रोटेस्ट के टाइम पे हम देखते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो वैंडलाइज की जाती है, डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी. बेस्टोड, बेस्टोड मतलब गिफ्टेड है, आपको से ये गिफ्टेड है, आशीर्वाद मिला है, प्रेजेंट है, ऑनर्ड है, बेस्टोड है आप. देन दिस इज बंगल्ड, बंगल्ड का मतलब है बहुत क्लमजी वे में आपने काम किया है, क्लमजी टास्क है, इनकॉम्पिटेंट है. स्नोबॉल्ड, स्नोबॉल्ड जैसे पहाड़ से एक छोटा सा स्नो होता है वो आगे बढ़ता है, एवलांच हो जाता है, स्नोबॉल्ड बड़ा होता जाता है जैसे जैसे वो नीचे आता है, दैट इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन साइज. इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट मतलब वॉयलेशन हो रहा है या फिर ब्रीच हो रहा है राइट्स का या फिर एरिया का या ट्रीटी का, दैट इज इन्फ्रिंजमेंट, वॉयलेशन और ब्रीच. ये कुछ वर्ड्स हैं, इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड एंड इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस 26th of May 2020. पहला जो आर्टिकल है दिस इज़ अबाउट रैम्पिंग अप. ये इतना ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है अभी इन वर्कर्स का, माइग्रेंट वर्कर्स का, तो इससे एक नया थ्रेट आ रहा है कि हम COVID-19 को स्प्रेड तो नहीं कर दिया है हमने ऑल ओवर इंडिया. टेस्टिंग अप इन स्टेट सीइंग मैसिव रिटर्न ऑफ माइग्रेंट्स. अब सी हम यहाँ पे लिख रहे हैं सी इस न्यूज़ टॉपिक को आप एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हो, चैलेंजेस में यूज़ कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, सोशियोलॉजी में यूज़ कर सकते हो, एथिक्स में यूज़ कर सकते हो, हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हो. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दीज न्यूज़ टैम्पलेट विद टॉपिक्स कीवर्ड इंस्टेड ऑफ से GS1, GS2, GS3, GS4, सो दैट आपके पास इट्स योर फ्रीडम, यू कैन यूज़ इट विच एवर वे यू वॉन्ट. लाइक ये एथिक्स में पूछा है तो आपको इसमें गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ह्यूमन वैल्यूज़ यहाँ पर लिखनी चाहिए, देन ऐसे आप इसको आंसर को अप्रोच करोगे. सेम ये COVID-19 एंड माइग्रेंट क्राइसिस के टॉपिक को. बट अगर ये सोशियोलॉजी में पूछा है ऐसे GS1 के पेपर में, सोशियोलॉजी सेक्शन में, योर अप्रोच वुड बी डिफरेंट. अगर ये हिस्ट्री के बेसिस में पूछा है तो आप फिर हिस्टोरिकल एंगल्स बता सकते हो, पुश पुल फैक्टर क्या हुए कि जो डेवलपमेंट है वो स्क्यूड था, दैट इज़ वाई ये पास्ट में ये वाला क्राइसिस था, एंड देर आर सो मेनी वेज. पेपर टू में आया है एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, लेबर लॉज क्या बोलते हैं, देन DPSP क्या बात करता है, देन गवर्नमेंट को कैसे यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना चाहिए. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये जो टॉपिक्स आते हैं इनको कीवर्ड्स से आइडेंटिफाई करें, सो दैट यू हैव योर फ्रीडम. ये क्वेश्चन अगर सपोज GS1 में आएगा, योर अप्रोच वुड बी डिफरेंट. GS2 में अप्रोच डिफरेंट. 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा, यू वुड बी टेलिंग अबाउट दिस COVID-19, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, वायरस कैसे होते हैं, देन वैक्सीनेशन क्या है एंड ऑल. सो दिस इज द अप्रोच. ऑल राइट, सो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, सोशियोलॉजी, एथिक्स, हेल्थ केयर, ऐसे बहुत जगह आप इस न्यूज़ आइटम को यूज़ कर सकते हो. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एडमिट UP, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, यहाँ बहुत ज़्यादा अभी माइग्रेंट्स आए हैं. विटनेसिंग लार्ज स्केल रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स. लार्ज स्केल का टेस्टिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड है. ICMR ने कहा है वी आर स्केलिंग अप टेस्टिंग लेबोरेटोरी. सी ये रैम्प अप किया है उन्होंने, इतने नए नए लैब्स यहाँ पे वापस बना रहे हैं. पेयर्ड विद सप्लाइज ऑफ टेस्टिंग मटेरियल भी प्रोवाइड हो रहा है उन्हें. इंडिजीनस वेंडर्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं विच इज़ अ गुड थिंग, और मैन्युफैक्चरर्स भी. प्रोड्यूसिंग स्वाब फॉर सैम्पल कलेक्शन. पहले हम इम्पोर्ट हो रहा था चाइना से, बट हम अब इसको डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. प्रोड्यूसिंग स्वाब, RNA एक्सट्रैक्शन किट्स, RT-PCR डायग्नोस्टिक मटीरियल, ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिटेल में देखा है. ये टेक्निक कैसे काम करती है, देन दिस एंटीबॉडी टेक्निक कैसे वर्क करती है, RNA एक्सट्रैक्शन किट्स एंड ऑल. सो दिस इज़ द वे. अब यहाँ पे सी ये एक बड़ा अच्छा यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसिज्म दिया है कि जो रिलीफ मेजर्स हैं माइग्रेंट वर्कर्स के और PPE मास्क, वेंटिलेटर, बेड्स, वैक्सीन एट्सेट्रा, तो 23rd of May वर्ल्ड टर्टल डे में दे आर मेकिंग दिस कि दे आर गोइंग एट अ वेरी वेरी स्लो पेस. मीनवाइल जो एक्स UN एनवॉय हैं मिस्टर सैयद अकबरुद्दीन, ये काफ़ी अच्छे एनवॉय रहे हैं, ये अभी रिटायर हुए हाल ही में. इन्होंने लिखा चैलेंजेस ड्यू टू COVID-19 पुट फोर्थ ग्लोबल गवर्नेंस इनएडिक्वेसी. चैलेंजेस जो आए COVID-19 के
ग्लोबल गवर्नेंस की इसने काफ़ी ज़्यादा फिशर्स फॉल्ट लाइन खुल के ओपन करके रख दिया है ग्लोबल गवर्नेंस का इन एडिक्वेसीज. नाउ ट्राई टू एनालाइज दिस स्टेटमेंट. चैलेंजेस ड्यू टू COVID-19 पुट फोर्थ ग्लोबल गवर्नेंस इन एडिक्वेसीज. एनालाइज मीन्स यू हैव टू राइट सम डिटेल्स, सम डिस्कवरी, सम ऑफ योर इंटरप्रिटेशन. ट्राई टू डू दिस इन 100 words. ओके. चैलेंजेस ड्यू टू COVID-19 पुट फोर्थ ग्लोबल गवर्नेंस इन एडिक्वेसीज सेट बाय मिस्टर सैयद अकबरुद्दीन एक्स एनवॉय यूएन एनवॉय. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन. नाउ दिस इज़ द सेकेंड वन. सेकेंड में है डेलिबरेशंस ऑन टू एंड LAC टेंशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ये जो LAC है ये इंडिया चाइना बॉर्डर इशू है यहाँ पे लद्दाख एरिया में अरुणाचल मैकमोहन लाइन में. पास्ट वन वीक से हम कॉन्टिन्यूसली चाइना को पूरा इसका थॉट प्रोसेस अप्रोच एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन वेरी गुड डिटेल. नाउ ये फेस ऑफ क्यों हुआ ये भी हमने देखा. लेटेस्ट टेंशंस क्यों हो रहे हैं. नाउ यहाँ पे इंडिया चाइना ने ज़्यादा डिप्लॉय कर दिया है ट्रूप्स को अक्रॉस दिस LAC. कमांडर्स और जो दूसरे लेवल के कम्युनिकेशंस हैं वो ओपन है. पूरा ट्राई किया जा रहा है कि ये जो टेंशन फ्लेयर अप हुआ है इसको डी एस्केलेट करना है. डेलिब्रेशन ऑन डेली बेसिस हो रहा है. वेट एंड वॉच अभी सिचुएशन है. सिचुएशन अभी भी अनफोल्डिंग है. ग्रीन टॉप हिल है अबव दिस फिंगर एरिया ऑफ पैंगोंग सो लेक. यहाँ अभी लेटेस्ट फ्रिक्शन पॉइंट बना हुआ है. मीनवाइल ये गलवान नाला एरिया है यहाँ पे भी नेवर एवर बिफोर पॉइंट ऑफ कंटेंशन था. पहले यहाँ पे बिकॉज LAC बहुत जगह डीमार्केटेड नहीं है प्रॉपरली नहीं है तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटेंशन होते हैं बट यहाँ पहली बार हो रहा है. तो इससे ये लग रहा है चाइना का जो स्टैंड है वो चेंज हो रहा है. स्टेटस क्वो को वो चैलेंज कर रहा है. मीनवाइल यहाँ पे इन्होंने एक और बहुत अच्छा यहाँ पे एक आर्टिकल आया है दिस हार्वर्ड बिज में. एन अपबीट असेसमेंट ऑफ इंडियाज पोटेंशियल. इंडिया का पोटेंशियल इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल. द ओनली अल्टरनेटिव कंट्री दैट कैन हैव द स्केल स्किल्स एंड स्पेस टू सर्विस अमेरिकन डिमांड इफेक्टिवली इज इंडिया. चाइना आज की डेट में हमें समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा प्रेशर में है. US बहुत प्रेशर डाल रहा है COVID-19 के कारण. बहुत ज़्यादा इसका रिवर्सेज हो रहे हैं वर्ल्ड में. इसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है. सो इज़ दिस अ वे टू डाइवर्ट द अटेंशन इंडिया का और वर्ल्ड का. वी नीड टू अंडरस्टैंड अभी हमारा प्रायोरिटी और फोकस इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए. सो टेक कॉन्फ्लिक्ट टू अ प्लेस बीजिंग इज़ वरिड अबाउट दिस विट वी कुड डू. टेक कॉन्फ्लिक्ट टू अ प्लेस वेयर बीजिंग इज़ वरिड अबाउट. बीजिंग इज़ मोर वरिड अबाउट दिस बिजनेस और ये जो इतनी इंडस्ट्रीज एंड ऑल है अगर ये वहाँ से बाहर पुल आउट कर लेंगी. सो वाई नॉट वी फोकस ऑन दिस एरिया. ब्रिंग FDI स्ट्रेंथन करें हम अपनी इकोनॉमी. सो वॉट आर योर थाट्स ऑन दिस. ट्राई टू राइट से इन 50 to 100 words कि ये जो चेंजिंग हो रहा है नेचर बिटवीन इंडिया एंड दिस चाइना इसमें इंडिया कैसे यहाँ पे एक तो तरीका है नॉर्मल LAC में हम अपना विजिलेंट इंक्रीज रखेंगे और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इसको मॉनिटर भी करेंगे. सिंसियर रहेंगे और अलर्ट रहेंगे यहाँ पे. बट एट द सेम टाइम वी नीड टू फोकस ऑन दिस एज वेल. टेक कॉन्फ्लिक्ट टू अ प्लेस बीजिंग इज़ वरिड अबाउट. ब्रिंग FDI स्ट्रेंथन करें हम अपनी इकोनॉमी को. ट्राई टू शेयर योर थाट्स. नाउ दिस इज़ द सेकेंड वन. अब ये जो थर्ड वन है यहाँ पे लिखा है डिस्पाइट ग्लट कट इन फ्यूल प्राइसेज अनलाइकली. यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लिखा है कि प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द ऑयल मार्केट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इन्होंने रूल्ड आउट किया है एनी फ्यूल प्राइस के कट का. गवर्नमेंट कॉशियस है और कॉन्शियस भी है. प्राइस स्टेबलाइजेशन लाइकली है इन नियर फ्यूचर. इकोनॉमीज बिकॉज रीस्टार्ट हो रही है. चैलेंजेस क्या है. स्लिपेज है क्रूड प्राइसेस का इंटरनेशनल लेवल पे. हमने देखा था काफ़ी फॉल हो गया है. डिसअपियरेंस है डिमांड वर्ल्ड वाइड और डिमांड नहीं है. तो इकोनॉमी में दो चीज़ होती है एक होता है सप्लाई और एक होता है डिमांड. तो सप्लाई तो ये कॉन्टिन्यूसली हाई रख रहे हैं बिकॉज कॉम्पिटिशन है इनके बीच में और डिमांड है नहीं. तो इसका रिजल्ट क्या हो गया प्राइस क्रैश हो गया. नो टेकर्स फॉर द क्रूड बींग प्रोड्यूस्ड. 6 May को वी डिस्कस्ड इट इन ग्रेट डिटेल कि ये जो पेट्रोलियम और डीजल प्राइसेस है ये कैसे बनती है. क्रूड ऑयल प्राइसेस आती है इस पे ओशन फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगते हैं. फिर ये रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइसेस आती है OMCs. फिर मार्जिन एंड अदर एक्सपेंसेस OMC अपना ऐड करती है जैसे इंडियन पेट्रोलियम हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम एट्सेट्रा. फिर इस पे सरकार केंद्र वाली लगाती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगाती है. और फिर डीलर के पास आता है. फिर डीलर से ये इधर रिटेल सेलिंग प्राइस आती है. और यहाँ पर राज्य सरकार लगा देती है वैल्यू एडेड टैक्स. तो सेंट्रल भी लगा रही है और स्टेट भी लगा रही है. और इस तरीके से जो यहाँ वाली प्राइस है और यहाँ वाली प्राइस है दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है. सो दिस इज़ नंबर 3. नाउ दिस इज़ पेज नंबर 1. ये पेज नंबर 2 है.
दिस इज पेज नंबर 3। आज श्री गुरु अर्जन देव जी का 414 मार्टरडम डे है। सिख डिसाइपल, सिख का मतलब होता है डिसाइपल है, सीकर है। 15th century में ये रिलीजन आया था, पंजाब में इसका ओरिजिन हुआ था। सिख में गुरु को काफ़ी महत्वता दी जाती है, तो यहाँ 10 गुरुज हैं इनके। एक जो पहले थे वो गुरु नानक जी हैं, फिर गुरु अंगद जी हैं, फिर गुरु अमरदास जी हैं, फिर गुरु रामदास जी हैं, गुरु अर्जन जी हैं। इनका आज यहाँ पे 414th मार्टरडम डे है। देन 6th है गुरु हरगोबिंद जी, 7th है गुरु हर राय, 8th है गुरु हर कृष्ण, 9th है गुरु तेग बहादुर और 10th है गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह ने फिर गुरु ग्रंथ साहिब को इटर्नल गुरु बना दिया था। गुरु अर्जन सिंह के दो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है कंपाइलेशन ऑफ आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब, ये इनका कंपाइलेशन में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया है। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हर मंदिर साहिब, सो दिस वी नीड टू रिमेंबर। देन दिस इज पेज नंबर 4। यहाँ पे बात है स्टबल बर्निंग, ये होती है स्टबल बर्निंग। जैसे हमने खरीफ क्रॉप पढ़ा, राबी क्रॉप पढ़ा एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में, कि ये सीजन होते हैं, क्रॉप्स इनकी चेंज होती रहती है। ये जो है दिस इज़ कॉल्ड वीट, वीट का हार्वेस्ट होना है, मतलब ये स्टैंडिंग क्रॉप है, इसको आपने कट कर लिया, अब ये वीट का हार्वेस्ट हो गया। बट पूरा ज़मीन से सट के तो नहीं कट किया है आपने, तो ये जो बच जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टबल। इन स्टबल को रिमूव करने में किसानों को काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो ईजी मेथड अपनाते हैं, इसमें आग लगा देते हैं। तो राबी सीजन का वीट हार्वेस्टिंग इज़ ओवर, अब स्पाइक आ गया है स्टबल बर्निंग में, ये इस टाइप की ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। ये मेजर कॉज है पॉल्यूशन का, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, रेस्पिरेटरी और लंग डिसीजेज होती हैं। इंडिया में बैन है, एक्शन भी लिया जाता है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अंदर इसमें लिया जाता है। बट ये हर साल का प्रॉब्लम है, अगर आप NCR एरिया में रह रहे हो तो विंटर सीजन में दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस स्टबल बर्निंग एंड ऑल, कि वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। एवरी डे एवरी ईयर गवर्नमेंट ट्राई टू डू समथिंग बट रिजल्ट्स ज़ीरो होते हैं। तो इसमें जो ऑर्डिनरी जो हमारी अप्रोचेज हैं दे आर देयर, व्हाट डू यू थिंक इसके अलावा और क्या कुछ इनोवेटिव हम करें कि हम ऐसी चीज़ों से बच सके, और वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। बिकॉज एवरी ईयर हमारा यही प्रॉब्लम है, विंटर्स होती है या फिर ये स्टबल होती है, ये इसकी बर्निंग होती है, और पूरा दिल्ली नवंबर दिसंबर जनवरी में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पे रहना। सो दिस इज स्टबल बर्निंग, पॉल्यूशन बहुत होता है और लोगों को बहुत बीमारी यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। देन दिस इज हीट वेव स्वीप्स नॉर्थ इंडिया में, टेम्परेचर राइज हो रहा है। दिस इज अबाउट पैडी कल्टिवेशन, ये पैडी कल्टिवेशन है। अ कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा था ये 18th of May में ये एक नया टेक्निक अडॉप्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है, तो ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस करेंगे। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस से बहुत सारे बेनिफिट हैं, दिस इज़ लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है और इनको ये जो नॉर्मल जो सैम्पलिंग ऐसे लगाते हैं पानी में, इसका तरीका अभी पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर आप मोनोकल्चर करते हो तो उससे बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट होता है, और एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज़ वाई स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप एक ही एक क्रॉप मत लगाओ। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से वेस्टर्न दिस यूपी देन हरियाणा दिस पंजाब, यहाँ पे एक ही एक क्रॉप लगने लग गई, वीट राइस। पहले होता नहीं था बिकॉज पानी सप्लाई अच्छी हो गई तो राइस भी होने लग गया। तो ये मोनोकल्चर है एंड मोनोकल्चर इज़ नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि आप क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करो, जैसे लेगुमिनस क्रॉप भी होनी चाहिए, इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फार्मर्स बोल रहे हैं ये इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, वो किसान बचाओ खेती बचाओ प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से बेनिफिट क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्लाइमेट रिजाइलिएंट क्रॉप्स आती है, और सॉइल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। सो अगेन दिस इज़ अ न्यूज़ टैम्पलेट। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 5, दिस इज़ पेज नंबर 6, दिस इज़ एडिटोरियल। अर्ली टेक ऑफ मतलब अभी हमने लॉकडाउन निकाला, अब लॉकडाउन को हम जल्दी ओवर करना चाहते हैं, फ्लाइट्स ऑपरेशन एविएशन भी स्टार्ट हो रहा है और रेलवेज़ भी स्टार्ट करने की बात है। सो विद नो कंसेंसस ऑन हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ पैसेंजर, ये जो पैसेंजर हैं इनकी हेल्थ मॉनिटर कैसे करेंगे, ये सारे स्टेट्स में कोई कंसेंसस नहीं बना है अभी तक। जब तक कंसेंसस नहीं बनेगा ये ट्रैवल बहुत रिस्की है। नेगोशिएशंस अभी स्टेट्स के साथ हुआ था, ट्रंकेटेड शेड्यूल रखा, बट डिफ़िकल्टी है टू रीलॉन्च डोमेस्टिक फ्लाइट।
स्टेट्स का एप्रीहेंशंस है, स्टेट को ऐसा डर लग रहा है कि प्री मैच्योर रिजम्पशन करेंगे सिविल एविएशन का, तो उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे कोविड 19 के केसेस, अनरिलेंटिंग और क्वारंटाइन मॉनिटरिंग हैज इट्स लिमिट। स्टेट्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतने सारे नंबर ऑफ केसेस को हैंडल कर पाएँ, हम ओवरवेलम हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है कि गोइंग बैक टू ड्राइंग बोर्ड, वापस प्लानिंग पे जाएं, ड्राफ्ट करें एक प्लान इमरजेंसी ट्रैवल का, कंप्लीट बैन नहीं लगाएं बट केवल इमरजेंसी ट्रैवल को अलाउ करें यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन और एग्रीगेशन ऑफ सच पैसेंजर। इस बीच बहुत सारे मिसस्टेप्स हुए हैं हमारे, हमने पहला लॉकडाउन लगाया था इफ़ यू रिमेंबर, उसके बाद बहुत सारी गलतियां हुई है हमसे, हमने मास गैदरिंग को स्टॉप नहीं कर पाए, पॉलिटिकल इवेंट्स को स्टॉप नहीं कर पाए, देन कंज्यूमर क्राउडिंग हुई, पैनिक बाइंग हुआ, लोग अचानक शॉप्स में जा रहे हैं और खूब सारा सामान एक साथ खरीद रहे हैं, पैनिक बाइंग हुआ, ये ट्रांसमिशन क्लस्टर में बदल गए सारे। एग्रेवेटेड बाय दिस बंगल्ड रिस्पॉन्स ऑफ द कंसर्न्स ऑफ माइग्रेंट लेबर, ये भी बहुत बड़ा फ्लॉप शो रहा है, माइग्रेंट लेबरर्स को, इनके वर्क को, इनके मूवमेंट को हम प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया। यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड थी, देर इज़ नो रीज़न टू थिंक दैट पैंडेमिक हैज़ बिगन टू वेन, लुक एट द डेटा, नंबर्स तो अब राइज होना चालू हुए हैं, तो पैंडेमिक का पीक अब आ रहा है, इवन आने वाला है। रिलैक्सिंग ट्रैवल मस्ट बी प्रीसीडेड बाय फोकस्ड कंटेनमेंट मेजर्स एंड एन अग्रीड प्रोटोकॉल फॉर स्टेट्स, तो अभी भी हम बैटल लूज नहीं किए हैं, हमें अभी भी अलर्ट रह के प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ें आगे बढ़ना चाहिए। रिलैक्सिंग ट्रैवल मतलब ये नहीं कि हम इसको फ्री रन दे दें कोविड 19 को, वी नीड टू टेक इट टेक केयर ऑफ दिस। नाउ दिस इज़ बैटिंग फॉर फ्री स्पीच, अक्सर ऐसा होता है कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा है तो वहाँ पर क्रिमिनल डिफेमेशन चार्जेस लग जाते हैं। रेकलेस फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस अगेंस्ट द प्रेस मस्ट एंड, ये बात है, अदरवाइज आप प्रेस की फ्रीडम को मजल कर रहे हो। मद्रास हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट है 2011-12 में, वो बताता है अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं दैट वुड फर्मली डिटर द हेस्टी एंड इल एडवाइज रिजॉर्ट टू स्टेट फंडेड प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ऐसा होता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट है, सपोज कोई कलेक्टर है या फिर कोई दूसरा ऑफिसर है, उसका आपने क्रिटिसिज्म किया ऐसा अननेसेसरी, तो वो डिफेमेशन के चार्जेस आप पे लग जाएगा और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उस प्रेस को यहाँ पे प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करेगी। नॉट इम्पल्सिवली इन्वोक प्रोविजन इन CRPC, कोर्ट ने ये वार्निंग दिया था, ये इम्पल्सिवली नहीं होना चाहिए। आप डिफेमेशन केस फाइल कर रहे हो हर क्रिटिसिज्म पे, क्रिटिसिज्म इज नॉट बैड पर से, अगर वो जेन्युइन क्रिटिसिज्म किसी ने किया है दैट इज़ गुड, बट आप हर क्रिटिसिज्म को मजल करोगे तो वो दैट इज़ नॉट गुड, ये थ्रॉटल करता है डेमोक्रेसी को। US में ये सलिवन केस है, इसमें एक्चुअल मेलाइस का कॉन्सेप्ट दिया था, क्रिटिसिज्म जो हुआ वो मतलब बोनाफाइड है मेलाफाइड है ये देखने की ज़रूरत है, एक्चुअल मेलाइस है या नहीं है, तो ये इनफॉर्मल प्रैक्टिस में अभी भी वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये दैट इज़ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हर क्रिटिसिज्म को थ्रॉटल नहीं करें, वी नीड टू हैव अ हायर थ्रेशोल्ड। इसमें ऐसा होता है सलिवन केस में कि क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल आपने किया, इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का किया, बट वो क्रिटिसिज्म आपका इनकरेक्ट था, आपको पूरा पता नहीं था, आपको फैक्ट्स नहीं पता थे, बहुत सारी नॉलेज नहीं थी, तो दैट इज़ काइंड ऑफ सम जेन्युइन एरर, तो उस केस में गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट ईजी जाएगी डिफेमेशन एंड प्रोसिक्यूशन चार्जेस में। ये इसीलिए सेफ गार्ड करना ज़रूरी है, दैट इज़ वाई कि हम मजल नहीं करें दिस प्रेस की वॉइस को, प्रेस की फ्रीडम को, और डिफेमेशन के नाम से क्रिटिसिज्म से बचे भी नहीं, अगेन अ गुड थिंग। नाउ थिंक इसको आप किस किन किन तरीके से इस न्यूज़ नॉलेज इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो, सो दिस इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू डू, हैव दिस क्रिएटिविटी इनोवेशन कि अब हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये केस हमने देखा, इसको हम एथिक्स में कैसे यूज़ करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अकाउंटेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ओके। द प्रॉब्लम विद द लिक्विडिटी पुश, इसमें बहुत अच्छे से सेल्फ रिलायंट इंडिया जो इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का रिलीफ पैकेज है, उसको बहुत सिस्टमेटिकली क्रिटिसाइज किया है, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं और वो अगेन ऑब्जेक्टिव, वो बहुत रैशनल वे में बताया है। इवन इफ पार्शली सक्सेसफुल इट विल कल्मिनेट इन इवेंचुअल डिफॉल्ट ज़्यादा आएगा यहाँ पे, ये क्राइसिस इज ओनली लाइकली टू इंटेंसीफाई, इकोनॉमिस्ट बहुत वरीड है इस बात पे, हमने इतना पैसा फेंक तो दिया मार्केट में बट ये उस मार्केट उसको एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा, इकोनॉमी रिवाइवल तो दूर, ये कहीं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं बन जाए। तो मच हाइप्ड कोविड 19 रिलीफ एंड रिकवरी पैकेज को यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज किया है, थ्रस्ट जो है वो है इन्फ्यूज लिक्विडिटी पे, लिक्विडिटी बढ़ाओ, इंक्रीज करो लेंडिंग बाय द फाइनेंशियल सिस्टम, दैट इज़ वाई गवर्नमेंट बोल रही है कि गारंटी हम दे रहे हैं, कोलेट्रल हम दे रहे हैं, आप बस लोन को आगे फॉरवर्ड करो, ये फोकस दिया है NBFC में,
जो वर्क करेंगे सेकेंड टीयर पे। TLTRO हमने पढ़ा था, इससे लिक्विडिटी एक्सेस किया, लिक्विडिटी बैंक्स वगैरह ले सकते हैं एट रेपो रेट पे, चीपर कैपिटल उनको प्रोवाइड किया। बट ये जो चीपर कैपिटल मिल रही है बिजनेसमैन को, इतने पैसे आ गए, ये उसको वापस इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात पे सवाल उठता है। NBFCs अपनी बैलेंस शीट इससे ठीक कर लिए, बट अभी भी वो सीवियर स्ट्रेस पे है, जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केसेस में हुआ था। इसमें ये हेल्प आउट होगा या नहीं होगा? सी, लिक्विडिटी क्या होता है, ये अक्सर वर्ड हम यूज़ करते हैं, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होता है, एसेट इज़ वन दैट कैन बी ईजिली सोल्ड और रिप्लेस्ड विद कैश। जैसे आपके पास बहुत सारी ज़मीन है, बट वो ज़मीन से आप तुरंत कैश कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी लिक्विडिटी कम हुई। बैंक में आपके पास बहुत सारा पैसा है, उसको आप तुरंत यूटिलाइज कर सकते हो, तो इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा हुई। कैन बी ईजिली सोल्ड और रिप्लेस्ड विद कैश एंड अ लिक्विड फर्म और एजेंट इज़ अ होल्डर ऑफ कैश, अ लाइन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू कैश, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। ईजिली और क्विकली वो कन्वर्ट हो सकती है कैश में विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ वैल्यू, मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा है। तो इन सारे फर्म्स के पास क्या हुआ, एसेट्स है, बट वो एसेट्स कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे तुरंत कैश में, तो लिक्विडिटी का क्राइसिस आ रहा है। क्राइसिस आता है बिजनेसमैन को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी, गवर्नमेंट को भी, लिक्विडिटी क्रंच का, पैसे तुरंत नहीं मिल रहे हैं। क्रंच जो है, ये फोकस है गवर्नमेंट क्राइसिस रेस्पॉन्स पैकेज में, तो गवर्नमेंट इसीलिए इनको पैसे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। अब जो बैंक्स हैं, बैंक्स को पता है 2008-09 में भी ऐसे ही क्राइसिस आया था, खूब सारे पैसे इन्होंने बांटे, अगले डेकेड में सारे बैंक्स सफ़र करते रहे दिस नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, इनके सारे लोन डिफॉल्ट हो गए, तो बैंक्स आर नॉट विलिंग टू रेस्पॉन्ड, वो अनविलिंग है। गवर्नमेंट मीनवाइल उन्हें बोल रही है कि हम पूरी गारंटी दे रहे हैं, आप बस आगे पैसा फॉरवर्ड करो, क्लाइंट अगर डिफॉल्ट करेगा गारंटी हम देंगे। बट इसमें भी कुछ कैचेज हैं। मेजर्स ये हैं कि पार्शियली इफेक्टिव गुड टाइम्स, वी आर इन एन अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस नाउ, ये जो लिक्विडिटी फ्यूज़ का जो क्राइटेरिया होता है, ये अच्छे वक्त पे भी इतना इफेक्टिव नहीं होता है, और अभी तो अपन क्राइसिस के टाइम पे हैं, तो ये जो हेलीकॉप्टर मनी जैसी चीज़ें होती हैं, ये भी वर्कआउट नहीं करती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड डिमांड जीरोड है, लिक्विडिटी है वुड बी यूज फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा यूज़ होगी ये लिक्विडिटी। क्रेडिट फ्लो रिमूवल डाउटफुल है, रिवाइवल डाउटफुल है, और ये सारा बन जाएगा जो आप पैसा दे रहे हो NPA। डिस्पोजेबल इनकम भी सरकार ने बढ़ाने की कोशिश की, डिस्पोजेबल इनकम मतलब से आपको 1,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, बट आप पे टैक्सेस कम कर दिए, TDS कम कर दिए, TCS कम कर दिया, और भी PF से भी पैसा ले सकते हो, तो आपके पास ज़्यादा हाथ में पैसा आ गया खर्च करने के लिए, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बढ़ गई। तो एडवांस एक्सेस टू PF दिया, प्रोविडेंट फंड, TDS, TCS कम कर दिया, लोन मॉरेटोरियम दे दिया, 3 महीने तक एक्सटेंड हो गया है, बट इनका भी लिमिटेड स्कोप है। IT रिटर्न इन्होंने पहले रिलीज़ कर दिया और कहा कि ये हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसका मार्जिनल स्कोप्स हैं। थिंक न्यू ट्रांसफर्स, कैश इन काइंड, वेज सब्सिडी, इक्विटी सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इवन डेट फाइनेंस भी करिए, मोनेटाइज डेफिसिट करिए अगर ज़रूरत पड़ेगी। ये ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं अंडर प्रेजेंट सिनेरियो, केवल लिक्विडिटी बढ़ाने से हेल्प नहीं होगा। Overall transmission of supply side push from these monetary policy for relief and revival is bound to weak. हमें supply ही नहीं, this demand को भी rise करना है, तभी हमारा ये जो economy है ये float कर पाएगी, otherwise we are in trouble. ये यहाँ पे systematically arguments यहाँ पे दिए हैं, some of these arguments are really really good. नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट आर्टिकल। अब ये जो आर्टिकल लिखा है, ये लिखा है मिस्टर राजीव कुमार ने, ये वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। इन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि क्यों सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव है, ये बहुत वेल बैलेंस्ड स्टिमुलस पैकेज है। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं ये मिनिमाइज करेगा ह्यूमन कॉस्ट ऑफ द COVID-19 क्राइसिस, जान बचाई हमने बहुत सारे लोगों की, ऑल्सो पेव द पाथ फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, रिलीफ तो दिया ही साथ ही साथ रिफॉर्म्स भी कर दिए। एक बात होती है कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, मतलब हमें अक्सर हमारी हैसियत के हिसाब से ही पैसे खर्च करने चाहिए। नॉट ऑल इकोनॉमीज एन्जॉय द माइट ऑफ US डॉलर, US की तरह हम नहीं है, US के पास बहुत पैसा है, US डॉलर नंबर वन करेंसी है, ग्लोबल रिजर्व करेंसी माना जाता है। नो लग्जरी टू इशू विदाउट एनी थॉट ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन इट्स मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंसेज। अगर हम मोनेटाइजेशन की बात करेंगे, जैसे अभी ये बात किया है यहाँ पे पिछले आर्टिकल में कि डेट फाइनेंस कर दें, मोनेटाइज कर दें डेफिसिट, इसके रिपरकशंस होते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो हमारे पास इतनी लग्जरी नहीं है। एक बार US करे तो वो उसको कर सकता है, बट वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस। COVID-19 भी अभी कितना लंबा खिंचेगा, कितना इम्पैक्ट होगा, वी डोंट नो। सारा पैसा अगर अभी खर्च कर देंगे तो बाद के लिए क्या बचेगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे ये भी गवर्नमेंट भी अपनी जगह करेक्ट है, कॉग्नाइसेंट ऑफ इट्स कंस्ट्रेंट्स एंड कंपल्शंस होते हैं,
गवर्नमेंट सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव बहुत फेज़ वाइज अनाउंस किया। फर्स्ट स्ट्रैंड था उसमें उन्होंने बोला ह्यूमन कॉस्ट कम करना है, गरीब कल्याण योजना आई COVID-19 क्राइसिस से। सेकेंड स्ट्रैंड था उसमें हमने रिलीफ भी प्रोवाइड किया, साथ ही साथ रिफॉर्म्स भी लेके आए ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ हो। सप्लाई साइड में हमने फूड सिक्योरिटी, लिक्विडिटी क्राइसिस, इकोसिस्टम फॉर प्राइवेट प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, टायरनी ऑफ लॉज जैसे ECA था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एंड ऑल, वो हमने हटाया। एम्फेसाइज किया हमने ग्लोबल, ग्लोकल मतलब ग्लोबल है और लोकलाइजेशन है, हम सेल्फ रिलायंट बनने पे एम्फेसाइज दे रहे हैं। तो ही इज़ प्रेजेंटेड इस केस कि गवर्नमेंट ने ये पैकेज काफ़ी प्रेजेंट जो हालात हैं हमारे उसके हिसाब से अच्छा प्रेजेंट किया है। कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। देन मूविंग बियॉन्ड जियो पॉलिटिक्स, यहाँ दो चीज़ों की बात है, एक है डेटा, दूसरा है टेक्नोलॉजी। पोस्ट COVID-19 वर्ल्ड में कंट्रीज और टेक जायंट्स हैं जैसे गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, दे शुड बी ऑब्लाइज्ड टू शेयर डेटा इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ये डेटा शेयर नहीं करते हैं अक्सर अपना। कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी है जैसे बायोटेक आएगा, जेनेटिक आएगा, IT आएगा, इनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते जा रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में। टेक्नोलॉजी और जो डेटा है ये इनहेरेंटली जियो पॉलिटिकल बनता जा रहा है, मतलब काफ़ी इसकी करेंसी इंक्रीज़ हो गई है जियो पॉलिटिकल डोमेन में। डेटा का अक्सर मिसयूज़ होता है, शेपिंग ओपिनियंस के लिए होता है, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका में हमने देखा था प्रोपोगेंडा चलता है, इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं, वो आपके डिसीजन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल प्राइवेसी इज़ अ मिथ, ये हम सबको पता है। वर्ल्ड में डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा लोकलाइजेशन है, लॉज रिलेटेड टू वीकनिंग ऑफ एनक्रिप्शन की, जैसे व्हाट्सएप का भी क्रिटिसिज्म क्यों हुआ था, एनक्रिप्टेड नहीं था वो, जूम क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट। एनक्रिप्टेड मतलब सेंडर और यूज़र के बीच में ये एनक्रिप्टेड ट्रांसमिशन हो रहा है। डेटा रिटेंशन रिक्वायरमेंट, ये सब पैच वर्क है, सिस्टमेटिक वर्क यहाँ पे अभी ज़रूरत है। दीज फ्रेमवर्क्स आर नॉट इंटरऑपरेबल भी नहीं है कि US में जो बना है वो इंडिया में वैलिड है या नहीं है, तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। वी नीड फ्रेमवर्क, और जो फ्रेमवर्क होने चाहिए वो इंटरनेशनल बॉर्डर के बियॉन्ड होने चाहिए, ये बैरियर नहीं आना चाहिए। तो ये जो टाइम है ये लेवरेज कर सकते हैं डेटा टू सॉल्व प्रॉब्लम, इंश्योर कंसिस्टेंसी लाएँ, इंटरऑपरेबिलिटी, ये वर्ड याद रखिए, इंटरऑपरेबिलिटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द राइट टाइम फॉर अ पार्लियामेंट सेलेक्ट कमिटी कि हम इसमें एक डिटेल्ड सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क तैयार करें, हम आइडेंटिफाई करें इंटरनेशनल बॉडी का भी जो पूरे ग्लोबल नॉर्म्स और डेटा गवर्नेंस पे हमें हेल्प करे। ये फैसिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज पोस्ट COVID-19 वर्ल्ड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। नाउ दिस इज़ बैटलिंग अ वायरस विद मास्क, ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी इफेक्टिव होती है, जैसे मास्क यूज़ है, मास्क एटिक्वेट है, मास्क मेंटेनेंस है, वैक्सीन्स, एंटीवायरल्स जब आएंगे तब आएंगे, बट दीज आर वेरी इफेक्टिव टू फाइट विद COVID-19, कैन गो अ लॉन्ग वे इन अवर फाइट अगेंस्ट COVID-19। बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, ये जो मास्क एंड ऑल भी होते हैं इसको डेली वॉश करना है आपको, वॉश इट एवरी डे। हैंड वॉश भी मीनवाइल बहुत इफेक्टिव है टू फाइट विद दिस COVID-19, रेगुलर एंड प्रॉपर हैज़ टू बी, इट हैज़ टू बी। देन दिस इज़ पेज नंबर 8, यहाँ बात है कर्नाटका गवर्नमेंट टेक्स एफर्ट टू सॉल्व मिस्ट्री ओवर बर्थ प्लेस ऑफ पुरंदर दास। ये पुरंदर दास जी हैं, ये हरिदास भी हैं, रिनाउंड कंपोजर हैं कार्नेटिक म्यूजिक के, ग्रेट डिवोटी थे सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा के, ये डिसाइपल थे दिस द्वैत फिलोसोफर सेंट के। अक्सर ये फिलोसफीज पूछी जाती है आर्ट एंड कल्चर में, तो ये द्वैत फिलोसफी से बिलोंग करते थे। ओके, नाउ ये इनका अभी ये कंटेंशन हो रहा है कि ये वाइडली बिलीव्ड है कि ये ही वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र, काफ़ी सारे क्लेम्स हैं कि ये मलनद कर्नाटका से भी है। ये कार्नेटिक म्यूज़िक के प्रोपोनेंट थे, कार्नेटिक म्यूज़िक फॉलो करते थे। म्यूज़िक के दो टाइप्स हैं इंडिया में, एक है हिंदुस्तानी जो नॉर्थ में ज़्यादा है और कार्नेटिक इज़ इन बेसिकली इन साउथ, इनमें भी काफ़ी सारे फाइन डिफरेंसेस होते हैं। देन दिस इज़ पेज नंबर 14, पेज नंबर 14, दिस इज़ पेज नंबर 15 एंड दिस इज़ पेज नंबर 11, दिस इज़ पेज नंबर 11, दिस इज़ पेज नंबर 10 एंड दिस इज़ पेज नंबर 11। यहाँ लिखा है ये जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है माइग्रेंट्स का विलेजर्स में हैज सेट द इकोनॉमी बैक बाय 15 ईयर्स। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं कि ये जो माइग्रेंट क्राइसिस है हमने इसमें वी नीड टू एक्ट मोर लाइक एफिशिएंटली एक्ट करना चाहिए था, हमें ज़्यादा इमोशनल होके एक्ट नहीं करना चाहिए था। द होल रीज़न लॉकडाउन का ये था कि हम माइग्रेंट्स को अपनी जगह पर ही स्टॉप करके रखें, उनको वहीं फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और हमने इनका ये प्लाइट को हाईलाइट करके गवर्नमेंट भी अब फोर्स पे आई और गवर्नमेंट ने भी श्रमिक एक्सप्रेस किया, काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स अब इन्हें अपने घर भेजने में लग गए हैं। बट रिमेंबर, आर वी फॉरगेटिंग द कॉज,
ये कॉज क्यों था, लॉकडाउन क्यों किया था, वो तो यहाँ पे डिफीट हो रहा है पर्पस। माइग्रेशन का जो था विलेजर्स का, ये वापस अपने गांव जा रहे हैं, इसमें अब एटलीस्ट दे विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू कम बैक। और इस बीच यहाँ पे फैक्ट्रीज एंड ऑल, यहाँ पे वर्क भी सफ़र करेगा। एट द सेम टाइम हमने इनकी प्लाइट को करके हम एज अ कैरियर भी तो नहीं बन गए कोविड-19 के। ये कोविड-19 अगर इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में चला गया, विलेजेस में चला गया, तो हम इसको कैसे बैटल करेंगे? तो हमने इनकी प्लाइट्स जो थी उसमें हमने एक्चुअल जो कॉज था कोविड-19 के कारण लॉकडाउन करने का, वो यहाँ पे डिफीट तो नहीं हो गया है। रिवर्स माइग्रेशन विलेजेस में जा रहा है। तो इंडिया रिस्क लूजिंग बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। बहुत सारे फैक्ट्रीज पोस्ट कोविड-19 में दे वुड थिंक कि वापस हमें यहाँ पे वर्क करने आना है या नहीं आना है, और इससे फैक्ट्रीज एंड इनका लॉसेस भी होगा, इंडस्ट्रियल लॉसेस भी होंगे। प्रॉब्लम जो सारा था वो ये हुआ कि हम इन्हें सिटी में ही प्रॉपर फैसिलिटीज़ क्यों प्रोवाइड नहीं कर पाए, प्रॉब्लम वहाँ पे हुई है। अदरवाइज़ लॉकडाउन का जो डिसीज़न है वो तो फिर यहाँ पे कम्प्लीटली फेल हो जाएगा अगर कोविड-19 रिमोट एरियाज़ में ऐसे स्प्रेड हो गया तो। डिविडेंड बाय नॉट क्रिएटिंग इनफ जॉब्स फॉर न्यू एंट्रेंट। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये हमारा चैलेंज हो जाएगा, इकोनॉमी करीब 15 साल वापस पीछे पुशबैक हो सकती है। देन दिस इज़ पेज नंबर 11, दिस इज़ पेज नंबर 12 शोकेस, दिस इज़ पेज नंबर 13 एंड ये है पेज नंबर 14। यहाँ पे है वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ में चाइना वॉन्स US ऑफ रिटेलिएशन इफ पनिश फॉर हांगकॉन्ग लॉ। यस्टरडे हमने देखा हांगकॉन्ग में चाइना अपने नए लॉज पुश कर रहा है। हांगकॉन्ग में वन कंट्री टू सिस्टम चलता है। हांगकॉन्ग इज़ डेमोक्रेसी, चाइना इज़ नॉट डेमोक्रेसी। चाइना चाहता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी को वो डायल्यूट करे, अपना एम्फेसाइज प्रेशर ज़्यादा लाए यहाँ पे। US ने इसके अगेंस्ट इसे वार्निंग दिया है। चाइना बोल रहा है दे वॉन्ट मोर इन्फ्लुएंस इन हांगकॉन्ग। US वॉर्न कर रहा है कि अगर ये जो आप नया लॉ ला रहे हो, कॉस्ट द सिटी इट्स प्रेफरेंशियल US ट्रेडिंग स्टेटस जो होगा वो हम पुल कर लेंगे। तो ऐसे करके अभी यहाँ पे फाइट हो रहा है। ब्राज़ील मीनवाइल बैडली हिट बाय कोविड-19 है। जापान रिकवर कर रहा है। शिंजो आबे इमरजेंसी लिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। वुहान में रिलैप्स हो रहा है कोविड-19, अगेन बिग कॉज ऑफ वरी। सैंपल पुलिंग अभी यहाँ पे हो रही है। ये आर्टिकल है, दिस इज़ इंटरव्यू ऑफ मिस्टर जेफ स्मिथ, अकेडमिशियन है। इनका जो आर्टिकल इंटरव्यू है, इन्होंने ये कहा है कि जो चेंजिंग वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर है, US जो होगा वो इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है चाइना के अगेंस्ट। US इज़ मोर क्लियर इन सपोर्ट फॉर इंडिया ऑन चाइना बॉर्डर इशूज़। वॉशिंगटन इज़ मोर फोर्थ कमिंग इन रिकोगनाइजिंग द मैक महन लाइन एंड सपोर्टिंग इंडियन सोवेरनिटी ओवर अरुणाचल प्रदेश। ये इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। एट द सेम टाइम इंडिया को ऑल्सो भी प्रूडेंशियली ये है कि ये बायलेटरल इशू है, हम इसे बायलेटरली सॉल्व करेंगे चाइना के साथ। देन दिस इज बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन में क्रूड प्रोसेसिंग सीज बिगेस्ट ड्रॉप सिंस 2003। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिकॉज डिमांड नहीं आ रही है इतनी ज़्यादा। लॉकडाउन एक्सटेंशन डिजास्टरस हो सकता है। हायर वीट का यहाँ पे प्रोक्योरमेंट भी हुआ है। सो दिस इज़ बिजनेस न्यूज़। यहाँ बात है बलबीर सिंह सीनियर, ये हॉकी के लेजेंड है ये बलबीर सिंह सीनियर। इन्होंने इंडियन टीम को पोडियम आफ्टर डिफीटिंग 56 ओलंपिक हॉकी फाइनल टू मेक 3 गोल्ड मेडल लिए थे इन अ रो। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इंडियन हॉकी एक टाइम पे बहुत अच्छी हुई होती थी, डोमिनेंट, काफ़ी डोमिनेंट करती थी वो। देन 3-टाइम ओलंपिक गोल्ड विनर है। ये काफ़ी जेंटल और फॉर्मिडेबल जाइंट्स हैं। वार्म एंड फ्रेंडली ऑफ द फील्ड है। स्पोर्ट्समैन में भी जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना, वो किसी भी स्पोर्ट्स को पर्सन को सुपरस्टार बनाती है कि वो अपने स्पोर्ट्स में अच्छा है। एट द सेम टाइम ही इज़ अ गुड ह्यूमन बींग। ये दोनों चीज़ें डिज़ायरेबल होती है, तभी वो स्पोर्ट्समैन है, वो एक बहुत सुपरस्टार बनता है। वार्म एंड फ्रेंडली ऑफ द फील्ड भी थे, इनका कंडक्ट बहुत अच्छा था। सो ही इज़ मिस्टर बलबीर सिंह सीनियर। देन यहाँ बात है, दिस इज़ अबाउट केरला टीम नेट्स सिल्वर फिश इन दिस वेलन कन्नी। ये सिल्वर फिश है, ये न्यू फ्रेश वाटर स्पीशीज अभी आइडेंटिफाई हुआ है। ये करीब 7 सेंटीमीटर इन लेंथ है। ये ऐसे सिल्वर टाइप की है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सिल्वर फिश। फिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव के जो हमने वो 5 वीडियोस बनाए ना, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो बहुत रेलेवेंट है। सरकार इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज दे रही है, प्रेजेंट में चल रही है वो सारी चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसमें बात है कि हम इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट लेंगे मैरीन में भी और इनलैंड फिशरीज़ में भी। फंड्स एलोकेट किए हैं, एक्वा कल्चर पे हम एम्फेसाइज दे रहे हैं। फिशिंग हार्बर, कोल्ड चेन मार्केट, केज कल्चर, सी वीड फार्मिंग, ऑर्नामेंटली फिशरीज, वेसल्स, ट्रेसेबिलिटी, लेबोरेटोरी नेटवर्क, ये इनिशिएटिव्स हैं।
पीरियड सपोर्ट टू फिशरमैन भी रहेगा यहाँ पे, पर्सनल एंड बोट इंश्योरेंस भी है, फिश प्रोडक्शन एंड जिसके लिए यहाँ पे किया है। फोकस कहाँ पर है? आइलैंड्स में है, हिमालयन स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। सो टुडे वी रेड अबाउट दिस सिल्वर फिश, मिस्टर बलबीर सिंह सीनियर, देन बिजनेस न्यूज़, हमने जेफ स्मिथ इंटरव्यू, ब्राज़ील, जापान, वुहान एंड चाइना, हांगकांग, देन वी रेड अबाउट दिस रिवर्स माइग्रेशन, लॉकडाउन का जो पर्पस था वो क्या डिफीट होता जा रहा है यहाँ पे, देन दिस इज़ मिस्टर, यहाँ पे हमने देखा मिस्ट्री ओवर बर्थ प्लेस ऑफ पुरंदर दास जी, ये क्या है, ये द्वैत फिलोसोफर सेंट है, ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ द द्वैत फिलोसोफर सेंट, दिस व्यास तीर्थ, देन बैटलिंग अ वायरस विद मास्क, दिस इज़ अगेन अ गुड न्यूज़ टैम्पलेट, मूविंग बियॉन्ड जियो पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड डेटा, यहाँ पे हमने देखा अ वेल बैलेंस्ड स्टिमुलस पैकेज है, प्रो देखा हमने सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव का, और यहाँ पे हमने उसकी क्रिटिकली यहाँ पे एनालाइज किया उसे कि लिक्विडिटी इज़ नॉट द सॉल्यूशन, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी होनी चाहिए, देन दिस इज़ बैटिंग फॉर फ्री स्पीच, और ये था अर्ली टेक ऑफ, यहाँ हमने दिस बायोडाइवर्सिटी मोनोकल्चर क्यों अच्छा नहीं है, राइस एंड ऑल पैडी, देन दिस इज स्टबल बर्निंग, ये श्री गुरु अर्जन देव जी का आज मार्टरडम डे है, यहाँ पे हमने देखा ये प्राइस मैकेनिज्म, फ्यूल प्राइसेस, क्रूड ऑयल, दिस वाज अबाउट दिस बीजिंग कॉन्फ्लिक्ट, डेलिब्रेशन ऑन टू एंड LAC टेंशन, मीनवाइल व्हाई इंडिया शुड फोकस ऑन दिस कि हम अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ाएं, FDI ज़्यादा से ज़्यादा ये जो टाइम है हम इंडिया में लेके आए, इफ़ यू गेट टाइम रीड दिस आर्टिकल, वेरी गुड आर्टिकल, ये हार्वर्ड बिज में इन्होंने ये एक आर्टिकल दिया है, COVID-19 डिस्टर्ब ग्लोबल सप्लाई चेन, विल कंपनीज टर्न टू इंडिया, देन दिस इज अबाउट दिस चैलेंजेस ड्यू टू COVID-19 पुट फोर्थ, ग्लोबल गवर्नेंस इन एडिक्वेसी हाईलाइट हो गई है COVID-19 के कारण, एनालाइज, ट्राई टू एनालाइज, देन दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, सोशियोलॉजी, एथिक्स एंड हेल्थ केयर, ये 26th of May 2020 है, 26th of May 2020 है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।